बिरला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। तो बच्चों, हमने जैसे कि पिछले साल भी वर्णमाला में स्वर वर्णों का अभ्यास किया था, तो चलिए आज हम एक बार फिर से अपनी इस पहली कक्षा में फिर से स्वर वर्णों का अभ्यास करेंगे। स्वर वर्ण आप जानते हैं इस प्रकार से हैं, अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। अब बच्चों आप सोचेंगे कि मैडम छोटी ई और बड़ा ई क्यों बोल रही है, तो छोटी ई इसलिए बोल रही हूँ और बड़ा ई इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ई और ई, उ और ऊ, ए और ए में अंतर करना जान जाएं, क्योंकि कई बार बच्चे अच्छी तरह से भेद या अंतर करना नहीं जानते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करना जानते हैं, जिसकी वजह से वो मिस्टेक या गलती करते हैं। तो इसलिए मैं छोटा ई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए, आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रू से ऋषि, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़ी ओ से औरत, और अंग से अंगूर, और अहं खाली। अहं को हम खाली क्यों कहते हैं, क्योंकि अहं से कोई शब्द नहीं बनता। तो बच्चों अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करके इसका अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और इसके लिए मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य देने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। बच्चों प्रश्न एक, अ से अह तक स्वर वर्ण लिखिए और हर वर्ण के साथ में चित्र भी चिपकाइए। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि आप अ लिखेंगे तो अ के साथ अ से अनार, अनार का चित्र चिपकाएंगे या फिर अनार का चित्र बनाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। प्रश्न दो, स्वरों को क्रम से लिखिए और इसका अभ्यास 5 बार उत्तर पुस्तिका में कीजिए। बच्चों मैंने अक्षरों को इधर उधर किया है, जंबल किया है, आप इनको क्रम से बनाकर लिखेंगे और इसका अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में 5 बार करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को पहला अक्षर लिखिए। तो आपने चित्र देखना है और उसका पहला अक्षर, पहली आवाज़ आपको सामने लिखना है। तो बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कीजिए, लिखिए और मुझे इसके उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।